फाइनली एक और विकेट गिरा इंग्लैंड का, मलान की हुई छुट्टी और सिराज ने कर दिया उनको आउट। ऋषभ पंत ने पकड़ा बढ़िया डाइविंग कैच और अब इंग्लैंड 220 रन से आगे हैं और दोनों टीमें चाय पीने के लिए थोड़ा ब्रेक ले रही हैं। हमें तो ब्रेक ही नहीं मिल रहा इनके चौके पे चौके पे चौके से और लग रहा है कि ये मैच इंडिया के हाथ से कब का निकल चुका है। पहली इनिंग्स में क्या एकदम ही बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आता किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाए, जिस तरीके से इंडिया के बैट्समैन ने अपने विकेट खो दिए, धुल गए, बिल्कुल ही कोई एप्लीकेशन नहीं थी। बट स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है भैया, हम तो मनाते रहेंगे क्रिकेट गॉड से कि प्लीज़ सचिन तेंदुलकर जी, MS धोनी जी, भेजिए इस टीम की तरफ कुछ पॉजिटिव वाइब्स ताकि ये कर सकें एक कमाल और झुका सकें इस टेस्ट को अपनी तरफ। और आप झुकिए सब्सक्राइब बटन की तरफ और दबाइए उसको सो दैट यू गेट ऑल द हाइलाइट्स नॉट जस्ट ऑफ दिस टेस्ट लेकिन आने वाले दो टेस्ट और वर्ल्ड T20 कप की भी, जिसमें सुपर 12 में खेलेगी इंडिया पाकिस्तान से पहले मैच में अपने। और देखते हैं कि अक्टूबर के एंड में शुरू होने वाला वो वर्ल्ड T20 कप क्या इंडिया जीत पाती है या नहीं। दुबई में होगा ये वर्ल्ड T20 कप, लेकिन तब तक वेट करते हैं इस टेस्ट के खत्म होने की और फिर दो और टेस्ट के खत्म होने की और देखते हैं कि सीरीज किसके हाथ लगती है। बाकी टेक केयर एंड स्टे सेफ। दिस इज आराध्या अक्षत साइनिंग ऑफ फ्रॉम ओपन दरबार।